हम लोग यहाँ पर सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में हम लोग लेते हैं लेट ए इक्वल टू, में यहाँ दिया हुआ देखिए क्या, जीरो जीरो माइनस वन थ्री फोर फाइव माइनस टू माइनस फोर माइनस सेवन। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं, जीरो जीरो माइनस वन थ्री फोर फाइव माइनस टू माइनस फोर माइनस का सेवन। तो क्या हो जाएगा यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसी को ना लेंगे माइनस वन डिटर्मिनेंट, ये रहो कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट, मतलब थ्री फोर माइनस टू माइनस फोर और माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का ट्वेल्व और यहाँ प्लस का एट, तो माइनस फोर हो जाएगा अंदर और बाहर माइनस है, तो प्लस का फोर जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। अब इसके बाद हर एक एलिमेंट का इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले सी वन वन लेते हैं, इसको ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट, बोलो तो माइनस का यहाँ हो जाएगा आपका 28 और प्लस का 20, तो माइनस का 8 आ जाएगा। सी वन टू ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट, बोलो तो माइनस 21 और प्लस का 10, तो माइनस 11 बाहर माइनस तो प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, सी वन थ्री ये आपको पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट, बोलो तो माइनस का 12 और प्लस का 8 यानी माइनस का 4 हो जाएगा। सी टू वन ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट, बोलो तो हो जाएगा माइनस का 0 और प्लस माइनस का 4, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, फिर उसके बाद सी टू टू ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे चारों कॉर्नर वाले का डिटर्मिनेंट, तो माइनस जीरो माइनस का टू यानी माइनस का टू आ जाएगा। सी टू थ्री ये निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट, बोलो ये ना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये है ना टू, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, तो इन चारों का डिटर्मिनेंट बोलो तो माइनस है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का जीरो और प्लस का जीरो, तो ये जीरो ही हो जाएगा। सी थ्री वन ये पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट बनो, तो जीरो प्लस का फोर, फोर आ जाएगा। सी थ्री टू ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट बनो आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो प्लस का थ्री यानी माइनस का थ्री हो जाएगा। सी थ्री थ्री पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे इन चारों का डिटर्मिनेंट, तो जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में यहाँ पे क्या होगा, सभी को फैक्टर लिख लेते हैं, माइनस एट एलेवन माइनस का फोर, फोर माइनस टू जीरो, फोर माइनस थ्री जीरो का ट्रांसपोज। यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का एट एलेवन माइनस का फोर, फोर माइनस टू जीरो, फोर माइनस थ्री जीरो। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, तो ए इनवर्स इक्वल टू वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू में एडजॉइंट ऑफ ए, यानी वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका फोर है और एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला है माइनस एट फोर फोर एलेवन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस का फोर जीरो जीरो, यही आपका ए का इनवर्स हो जाएगा। समझ गए, चलिए अब हम लोग इसका